फ्रेंड कैसे आप बैतुल सर। और बेटा अब हम डिस्कस करेंगे टेंस पार्ट फोर। देखिए इसके पहले बेटा मैंने टेंस के थ्री पार्ट्स आपको बता दिए हैं, इसमें डिस्कस कर दिए गए हैं जो बेसिक चीजें थी इसके पहले वाले पार्ट में डिस्कस कर दिए गए हैं, जो टेंस का पार्ट थर्ड फर्स्ट और सेकंड आपका था। अब हम जो डिस्कस करेंगे टेंस पार्ट फोर। देखिए टेंस में मैं कई पार्ट्स बनाने वाला हूँ, बेसिक से लेकर मीडियम से लेकर टॉप तक, मतलब टेंस में हर टाइप के क्वेश्चन में आपको डिस्कस करूंगा पार्ट बाय पार्ट। अभी मैं बेसिक पार्ट बना रहा हूं टेंस में, जैसे अभी फर्स्ट पार्ट में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस, सेकंड पार्ट में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में डिस्कस किया, थर्ड पार्ट में बेटा मैंने पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटीन्यूअस, और आज जो फोर्थ पार्ट है बेटा टेंस का, इसमें हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट। तो बेटा देखिए पहले हम ये देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट होती क्या चीज है। देखिए परफेक्ट को लेकर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि परफेक्ट वही सेंटेंस बनता है जिसमें काम खत्म होने की बात की जाए, जिसमें काम पूरा होने की बात की जाए, जिसमें काम कंप्लीट होने की बात की जाए। हमने यह भी डिस्कस किया था कि जो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में कोई चीज करने का सेंस होता है, पास्ट परफेक्ट में किसी चीज को खत्म करने का सेंस है। मतलब यदि आप किसी चीज को करने की बात कर रहे हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, और कोई चीज हो चुकी उसकी बात कर रहे हैं, खत्म करने की बात करें पास्ट परफेक्ट में। और अगर हिंदी में समझना है तो पास्ट परफेक्ट तक बेसिकली समझने के लिए आप ये भी ध्यान रख सकते हैं चुका था चुके थे, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं चुका था चुके थे। मतलब ये तो आपका हिंदी में है, लेकिन ये तो बेसिक आपका हो गया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज वो आपको ये ध्यान रखनी है कि पास्ट परफेक्ट का मतलब आपको होता है कंप्लीट एक्शन। जब पास्ट में हम काम खत्म होने की बात करेंगे, पूरा होने की बात करेंगे, तो पास्ट परफेक्ट में बनता हो। पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट में यदि कोई काम करने की बात करेंगे, जैसे मैं वहां पर गया था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। आई वेंट देयर, आप वहां इंडिकेट कर रहे हैं जाने को लेकर, और मैं वहां जा चुका था, मतलब एक बार हो चुके थे, आप उस चीज को बता रहे हैं, तो आई हैड गॉन देयर, मैं ऐसा कर चुका था, आई हैड डन सच। तो ये बेटा आपका पास्ट परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे आपका फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट का मतलब आपको ये ध्यान रखना है अगर कोई काम खत्म होने की बात करेंगे तो परफेक्ट सेंटेंस में बनेगा। तो आइए जरा पास्ट परफेक्ट के हम बेसिक रूल्स देख लेते हैं, हेल्प यू मेन वर्ब्स क्या क्या लगता है, इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। तो बेटा पास्ट परफेक्ट यदि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो तो हम सब्जेक्ट सबसे पहले लेंगे, सब्जेक्ट बाद क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, हैड आती है, और हैड के बाद मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लेंगे। ऑब्जेक्ट होगा तो लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो छोड़ देंगे, ध्यान रखेंगे। इसके बाद यदि वाक्य आपका निगेटिव है तो बेटा सब्जेक्ट आपका लेंगे लेंगे, सब्जेक्ट बाद आपका क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लेंगे, नॉट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यदि आगे ऑब्जेक्ट आपका आता है, देखिए ऑब्जेक्ट की कंडीशन, यदि ऑब्जेक्ट है तो आप लीजिएगा, नहीं है तो कोई मतलब नहीं। अब यदि वाक आपका इंटरोगेटिव पड़ जाता है, इंटरोगेटिव के बारे में हमने आपको बताया कि अगर सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है जो क्या से चालू होता है, तो हेल्प यू पहले लेते हैं और सब्जेक्ट बाद में, अगर नॉट है तो बेटा नॉट ले लेंगे, अगर नॉट है तो नॉट ले लेंगे, कंपलसरी नहीं कि नॉट आपका आएगी, जरूरी भी नहीं है, नॉट है तो नॉट ले लेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, होगा तो लेंगे और नहीं होगा तो नहीं लेंगे। अब ये जो लिखा बेटा आपका डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव का मतलब बेटा आपको होता है डब्ल्यू या जिसमें वर्ड्स आते हैं, और जब ये वाक बीच में आएंगे, कब कहाँ क्यों कैसे जो बीच में आएंगे, इन्हीं को डब्ल्यू एच वर्ड कहते हैं। और ये इंग्लिश में जब सेंटेंस हम फॉर्म करते हैं तो बिगिनिंग में लिखते हैं, उसके तुरंत बाद हम क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड लेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है तो ले लेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। तो बेटा ये पास्ट परफेक्ट के आपके बेसिक रूल्स थे जो आपको ये ध्यान रखनी है। और पास्ट परफेक्ट में जैसा कि हमने बताया जो इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखना है, अगर पास्ट में काम खत्म होने की बात करेंगे, पूरा होने की बात करेंगे, तो इन पास्ट परफेक्ट में ही आपका बनेगा। एक दो सेंटेंस से हम इसको डिस्कस या समझने की कोशिश करेंगे, आइए जरा देख लेते हैं। एक चीज और बेटा डिस्कस कर लेते हैं, कभी कभी जैसे पास्ट परफेक्ट में आपने पढ़ा होगा कभी कभी दो सेंटेंस आ जाते हैं, तो अगर दो सेंटेंस जैसे रोगी के आने से पहले डॉक्टर चला गया था, मेरे पहुंचने से पहले वो आ गए थे, तो एक खास बात और आपको ध्यान रखना है कि अगर दो पार्ट दिए हो, वो चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, ये जो मैं रूल आपको बताने वाला हूं ये हर जगह लगता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका रूल है। कहने का मतलब यदि आपके दो एक्शन, यदि आपके दो एक्शन एक साथ घटित हो रहे हो, यदि आपके दो एक्शन एक साथ घटित हो रहे हो, एक समय पर घटित हो रहे हो, तो दोनों एक ही सेंटेंस में बनेंगे। इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस है तो कंटीन्यूअस, और परफेक्ट है तो परफेक्ट। लेकिन यदि दो घटनाएं, यदि दो एक्शन
एक समय में ना घटित होकर एक काम पहले घटित हो रहा हो और दूसरा बाद में घटित हो रहा हो, तो जो काम पहले घटित होगा वो आपका परफेक्ट सेंटेंस में बनेगा और जो बाद में घटित होगा बेटा वो आपका इंडेफिनिट सेंटेंस में बनेगा। ये देखिए इंग्लिश में हमने इंडिकेट भी किया है, इफ टू साइमल्टेनियस एक्शन टेक प्लेस, यदि दो घटनाएं एक साथ घटित होती हैं। आर यूज्ड इन द सेम सेंटेंस, इनका प्रयोग एक ही सेंटेंस में करते हैं, सेम सेंटेंस में किया जाता है। बट इफ टू एक्शन टेक प्लेस सेपरेटली, और यदि दो घटनाएं अलग अलग समय पर घटित होती हैं, मतलब एक पहले घटित होती है एक बाद में घटित होती है, तो देन फॉर्मर जो एक्शन, मतलब जो पहले का एक्शन होगा, जो फॉर्मर एक्शन होगा, जो फॉर्मर आपका एक्शन होगा वो आपका परफेक्ट सेंटेंस में बनेगा और जो बाद वाला एक्शन बेटा आपका होगा वो इंडेफिनिट सेंटेंस में बनेगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, जो फॉर्मर एक्शन आपको होगा परफेक्ट में और जो बाद वाला एक्शन होगा किस में बनेगा, आपका इंडेफिनिट सेंटेंस में बनेगा। अब देखिए आप इसके ये रूल्स जरूर आप ध्यान रखना, और ये चाहे प्रेजेंट हो बेटा, चाहे पास्ट हो, चाहे आपका फ्यूचर हो, हर जगह ये नियम लगता है। अगर सिंगल सेंटेंस है तो जिसकी बात कर रहा है, जिस सेंटेंस की बात कर रहा है आप उसमें बनाइएगा, लेकिन अगर दो पार्ट हैं, दो से ज्यादा पार्ट हैं, तो आप ये देखिएगा कौन सा एक्शन पहले घटित हो रहा है, कौन सा एक्शन बाद में घटित हो रहा है, या कौन सा एक्शन किस समय घटित हो रहा है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। तो बेटा आइए जरा इसके हम एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। देखिए ये आपके दो एग्जाम्पल यहां पर इंडिकेटेड है, इसके बाद और भी हम डिस्कस करेंगे। लिखा ही ऑलरेडी टू ब्रेकफास्ट, मतलब आप देखिए अगर ऑलरेडी यहां पर ना होता है ही टू आई टू ब्रेकफास्ट, तो मैंने ब्रेकफास्ट किया था, लेकिन जो इंडिकेट कर रहा है परफेक्ट का, मतलब मैं जो ब्रेकफास्ट था पहले ही कर चुका था, इसका इंडिकेशन है। इसलिए बेटा यहां पर आपका ऑलरेडी टुक नहीं होगा, आई हैड, अगर सब्जेक्ट जो भी हो, आई हैड ऑलरेडी, ये ध्यान रखेंगे, आई हैड ऑलरेडी टेकन, मैंने पहले ही ब्रेकफास्ट कर लिया था, मैंने पहले ही नाश्ता कर लिया था। आई फिनिश्ड माई वॉक बिफोर दे अराइव, अब देखिए इसमें फंस गए दो पार्ट, बड़ा फंसा दो पार्ट की नहीं फंसा। अब इसमें देखिएगा पहले एक्शन कौन सा घटित हो रहा है और बाद में कौन सा घटित हो रहा है, मैंने अपना काम कर लिया उनके आने से पहले, तो जरा ये बताइएगा पहले वो आए या पहले तुमने अपना काम खत्म कर लिया। तो सीधी सी बात, पहले आपने अपना काम खत्म किया इसके बाद वो आए, और हमने आपको बताया है जो काम पहले घटित होगा वो परफेक्ट सेंटेंस में बनेगा, जो बाद में घटित होगा वो इंडेफिनिट सेंटेंस में बनेगा, हमने भी आपको ये रूल आपको बताया हुआ है, तो इस चीज को ध्यान आप रखेंगे। तो अब मैंने काम पहले फिनिश किया उनके आने से पहले, तो बेटा ये जो आपका है यहां पर हम लेंगे आपका पास्ट परफेक्ट, मतलब यहां पर आपको हैड लेना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट आपको बनाना पड़ेगा, मतलब आई हैड फिनिश्ड माय वर्क बिफोर दे अराइव, चूंकि वो आए बाद में, इसीलिए आपका इंडेफिनिट बनेगा। तो बेटा ये पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत ये कुछ क्वेश्चंस थे, ये दो एग्जांपल्स थे। अब इसके बाद हम अदर एग्जांपल्स भी डिस्कस करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो अगला जो बेटा आपका क्वेश्चन लिखा है, आफ्टर द इवेंट क्योस हैड टेकन प्लेस, कहने का मतलब आपका है आफ्टर द इवेंट, उनके जाने के बाद, क्योस का मतलब बच्चे आपका होता हंगामा, उनके जाने के बाद हंगामा हुआ, टेक प्लेस माने होता है घटित होना, मतलब उनके जाने के बाद हंगामा हुआ, तो पहले वो चले गया, पहले वो हंगामा हुआ, मतलब पहले वो चले गए, तो हमने कहा था जो काम पहले घटित होता वो परफेक्ट में बनता है, पास्ट को इंडिकेट कर रहे हैं, तो पास्ट परफेक्ट, तो बेटा द इवेंट नहीं होगा, After they had gone, और यहां पर जो बेटा आपका लिखा है taken place, हम क्या करेंगे took place, ओके took place करेंगे, तो after they had gone chaos had took place, उनके जाने के बाद हंगामा हुआ, बवाल हुआ। नेक्स्ट जो बेटा आपका लिखा है बिफोर दे अराइव्ड, उनके आने से पहले ही accomplished his work, उसने अपना काम पूरा कर लिया, मतलब उनके आने से पहले उसने अपना काम पूरा कर लिया, तो पहले वो आए या पहले उसने अपना काम पूरा कर लिया, तो पहले उसने अपना काम पूरा कर लिया, तो बिफोर दे अराइव्ड ही हैड, तो बेटा यहां पर हो जाएगा ही हैड accomplished his work। केवल आपको इतना ही ध्यान देना है कि कौन सा काम पहले घटित हो रहा है, कौन सा बाद में, और जो काम पहले घटित हो, एक्शन पहले घटित हो, आप उसे परफेक्ट सेंटेंस में बनाए, और जो बाद में घटित होता है उसको बेटा आप इंडेफिनिट सेंटेंस में बनाएं। इसके बाद बेटा लिखा है ही डिड हिज वर्क बाय द टाइम, देखिए बाय द टाइम का मतलब बेटा आपको होता है जब तक, तो जब तक और तब तक, तो बाय द टाइम दे केम, जब तक वो आए तब तक उसने अपना काम कर लिया, तो मतलब पहले वो आए या पहले उसने अपना काम कर लिया, तो पहले उसने अपना काम कर लिया, तो बेटा डिड नहीं होगा, यहां पर आपको करना पड़ेगा हैड डन,
तो यहां पर आप करेंगे क्या करेंगे, हैड डन, मतलब बाय द टाइम दे केम ही हैड डन हिज वर्क, जब तक वो आया तब तक उसने अपना काम पूरा कर लिया। ही हैड डन हिज वर्क बाय द टाइम दे केम, जब तक वो आए तब तक उसने अपना काम पूरा कर लिया। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ही हैड डन हिज वर्क बाय द टाइम दे केम, तो मतलब जब तक हुआ तब तक उसने अपना काम क्या कर लिया बच्चे, पूरा कर लिया। तो इस चीज को आपको अपने दिमाग में रखना है, ध्यान रखना बाय द टाइम का मतलब जब तक होता है, और अगर ऐसे पकड़ लेना बाय द टाइम वाला जो पार्ट होता है वो इंडेफिनिट में बनता है, और जो बिना बाय द टाइम वाला वर्क होता है वो परफेक्ट में बनता है। ये भी एक सेंस देखिएगा, आई न्यू हिम फॉर टू ईयर्स, अब देखिए फॉर टू लग गया, और आपको पता है हमने आपको बताया था जो सिंस फॉर होता है, सिंस फॉर का प्रयोग या तो परफेक्ट सेंटेंस में करते हैं या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो बेटा यहां पर हम क्या लेंगे, आगे फॉर लगा तो इंडेफिनिट में तो बना ही नहीं सकते, क्या बनाएंगे, I have known। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन लिखा आपका, when I went there, जब मैं वहां पर गया, he was ill for 2 weeks, वो 2 सप्ताह से बीमार था, मतलब तुम गए कब थे बेटा, पास्ट इंडेफिनिट में, आप गए कब थे पास्ट इंडेफिनिट, वो बीमार और पहले से था, मतलब पास्ट परफेक्ट, तो सीधी सी बात वाज लगने की तो प्रश्न ही नहीं उठता है, क्या लेंगे, had been, और ये जो been बेटा आपका है ये मेन वर्ब है, been क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है, होने के सेंस में आया, ये पैसिव वॉइस का केस नहीं दे रहा, ठीक है। तो व्हेन आई वेंट देयर आई ही हैड बीन इल फॉर, जब मैं वहां पर गया तो वो 2 सप्ताह से बीमार पड़ा था, मतलब आप गए पास्ट इंडेफिनिट में और बीमार वो पहले से था, तो मतलब पास्ट परफेक्ट। इसके बाद बेटा आपका लिखा है व्हेन ही केम, जब वो आया, व्हेन ही केम ही फॉरगेट हिज बुक्स, वो अपनी किताब में भूल गया, मतलब जब वो आया तो वो अपने साथ किताब नहीं लाया था, मतलब वो भूल गया था। तो बेटा भूला तो पहले होगा ना, जब आया तभी थोड़ी भूला, सीधी सी बात है। तो यहां पर बेटा हम क्या करेंगे, ही हैड फॉरगॉटन, ही हैड फॉरगॉटन, तो जब वो आया वो अपनी बुक से भूल गया था, किताबें भूल गया था। अगले देखिए लिखा, सी कुक्ड एंड ही एट, मतलब उसने पकाया और उसने खाया, अब दोनों एक्शन एक ही समय के हैं, और यदि दो घटनाएं एक समय की हों, यदि दो एक्शन एक ही समय के हों तो दोनों एक ही सेंटेंस में आपके बनते हैं। तो बेटा युवा का आपका जो हो जाएगा, सी कुक्ड ही एट, मतलब नो एरर। नेक्स्ट बेटा लिखा, आई डिड नॉट टेक एनी डिसीजन अंटिल आई स्टडीड इट, मैंने कोई निर्णय नहीं लिया जब तक मैंने इसका अध्ययन नहीं कर लिया। तो बेटा सीधी सी बात है, अध्ययन आपने पहले किया होगा, डिसीजन लेने के केस बाद की होगी। तो बेटा ये पार्ट तो सही है, यहां पर क्या लगेगा, आई हैड, क्यों लगेगा, क्योंकि जो स्टडी का केस है, आपने सेंटेंस बोला जब तक मैंने इसका अध्ययन नहीं कर लिया तब तक मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया था, तो मतलब स्टडी आपने पहले किया होगा, डिसीजन का केस बाद में। अगला लिखे बेटा, आई वॉश्ड द फ्लोर व्हेन द पेंटर वेंट, तो मैंने फर्श को फ्लोर किया, मतलब जो फर्श था उसको मैंने वॉश किया, जब पेंटर गया नहीं, जब पेंटर चला गया, मतलब पेंटर के जाने के बाद, तो व्हेन द पेंटर वेंट नहीं होगा, व्हेन द पेंटर हैड गॉन, व्हेन द पेंटर हैड गॉन, बेटा ये आपका बनेगा। इसके बाद बेटा आपका अगला लिखा है, बिफोर आई न्यू इट, इसको मेरे जानने से पहले ही रन आउट ऑफ द डोर, वो दरवाजे से भाग गया, तो पहले तुम जान पाया पहले वो भाग गया, आपको इसके बारे में पता भी चलता कि वो निकल गया, मतलब वो निकल पहले गया। तो बेटा यहां पर क्या लगेगा, ही हैड रन आउट ऑफ द डोर बिफोर आई न्यू इट, जब तक मुझे इसके बारे में पता चला वो निकल गया था। बाय द टाइम ही फोन्ड हर, जब तक उसने उसको फोन किया तब तक सी हैड फाउंड समवन न्यू, तब तक उसे सी हैड फाउंड समवन न्यू, मतलब देखिए हमने आपको बताया था जो काम पहले घटित होता बेटा वो परफेक्ट में बनाते हैं, जो बाद में घटित होता है वो इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो जब तक उसने इसको फोन किया तब तक उसने क्या, एक मतलब सी हैड फाउंड समवन न्यू, उसे कोई और मिल गया, ही सी हैड फाउंड समवन न्यू। तो बेटा ये ध्यान रखेंगे ये एक्शन पहले हो रहा, मतलब उस फोन बाद में कर पाया है और उसने फाउंड समवन न्यू का केस पहले का है। ओके तो बेटा ये था आपका पास्ट परफेक्ट, जो हमने इसके बेसिक रूल्स बताए, इसके सारे एग्जांपल्स एक तरफ से डिस्कस किए। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बेटा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पहले तो हम समझते हैं बेटा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होता क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे। देखिए हमने बेटा आपको बताया था एक कॉन्टिन्यूअस होता है और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब आपका होता है उस समय की हम बात करते हैं जिस समय कोई काम चल रहा हो,
और जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें कोई काम पहले से स्टार्ट होता है और जो अभी तक भी जारी हो, अभी तक भी चल रहा हो, जैसे मैं 2002 से यहाँ रह रहा हूँ, मैं 2003 से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, तो मतलब कोई काम स्टार्ट पास्ट में किया था और वो जारी अभी भी है, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब यदि हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो बेटा ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप बनाएंगे, मतलब ये टाइम डिनोट कराएगा, टाइम इंडिकेट करेगा, कॉन्टिन्यूअस टाइम इंडिकेट नहीं करता, ये आपका टाइम इंडिकेट करेगा। आप कह सकते हैं एक प्रकार से 2002 से 3 घंटे से 4 बजे से तुम्हारी शादी के समय से, तो बेटा इस प्रकार का टाइम इंडिकेशन आपका होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ये पास्ट है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी इसी प्रकार का आपका केस आपको होगा, जो 2 घंटे 4 बजे 5 बजे या 3 साल 4 सालों से, मतलब इस प्रकार का इंडिकेशन होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कोई भी सेंटेंस हो वो टाइम डिनोट ही कराता है। तो भाई जरा हम देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, वर्ब की क्या फॉर्म लेते हैं, इसके बाद हम इसके एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। तो बेटा अगर हम गौर करके देखें तो अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है आपका, सब्जेक्ट लेंगे सबसे पहले और क्या लेंगे, हैड बीन। ध्यान रखना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा, और आगे जो मेन वर्ब लेंगे, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे, हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ऑब्जेक्ट लेंगे, और इसके बाद बेटा हम सिंस फॉर लेंगे, मतलब निश्चित समय है तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय अनफिक्स्ड टाइम है तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। सिंस फॉर के बारे में हमने आपको जब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया था तो हमने डिटेल में बताया था, डिस्कस किया था। इसके बाद जो भी यहाँ पर टाइम का इंडिकेशन वर्ड है वो आप लिख देंगे। अब यदि वाक्य आपका निगेटिव बनता है तो सारी चीज बेटा आपका वही है, केवल नॉट, तो बस ये ध्यान रखना सब्जेक्ट हेल्पिंग ऑफ हेड, जो नॉट लेंगे वो बीन के पहले लेंगे, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो आपका जो भी सेंटेंस होगा उसमें जो नॉट होगा वो बीन के पहले आएगा। मेन वर्ब की हम क्या लेंगे, आईएनजी फॉर्म लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे, और इसके बाद हम सिंस फॉर लेंगे टाइम के अकॉर्डिंग, और उसके बाद जो भी आपका टाइम इंडिकेटिंग वर्ड दिया वो वर्ड हम लिख लेंगे। इसके बाद बेटा हम देखते हैं यदि आपका वाक इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव बेटा आप जानते हैं, अगर इंटरोगेटिव तो हम हेल्पिंग वर्ब से चालू करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, बीन लेंगे, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे, सिंस फॉर लेंगे, मतलब सिंस का सेंस है तो सिंस लेंगे, फॉर का सेंस है तो बेटा हम फॉर लेंगे, मतलब निश्चित समय तो सिंस का प्रयोग करें, अनिश्चित समय तो बेटा फॉर का प्रयोग करें, और इसके बाद जो भी आगे आपके जो टाइम को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स दिए वो लिख लेंगे, मतलब 2 घंटे 4 बजे 4 महीने। अब डबल इंटरोगेटिव, बेटा डबल इंटरोगेटिव का मतलब हमने कई बार बताया, डबल इंटरोगेटिव का मतलब जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड्स जो पहले लिखे जाते हैं उनके लिए, तो ये डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स पूरे पहले लिखेंगे, हैड इसके बाद लेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे, फिर बीन लेंगे, और मेन वर्ब में हमेशा आईएनजी फॉर्म लेते हैं, ऑब्जेक्ट होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, इसके बाद हम सिंस फॉर जिसका भी सेंस हो, उसके बाद जो भी आपका है वो पूरा आप डिनोट करा देंगे, लिख देंगे। तो भाई जरा इसको में एरर्स कैसे बनते, इसमें प्रॉब्लम्स कैसे बनते, किस प्रकार के इसमें एरर्स पूछे जाते हैं, आइए जरा हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं एरर पॉइंट ऑफ व्यू पर। तो बेटा लिखा है आई वाज वॉकिंग देयर फॉर 5 इयर्स, अब देखिए इंडिकेट किसको कर रहा है, फॉर, और हमने कहा था सिंस फॉर का प्रयोग हमेशा परफेक्ट सेंटेंस में करते हैं या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में करते हैं, तो आइए जरा देख लेते हैं ये सेंटेंस, तो कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो है नहीं बेटा, अब कॉन्टिन्यूटी को शो कर रहा है तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाएंगे, और पास्ट की बात कर रहा है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब ही हैड बीन वॉकिंग देयर फॉर 5 इयर्स, वो वहां पर 5 सालों से काम कर रहा था, दे वर लिविंग देयर सिंस 2002, तो दे वर नहीं होगा, दे हैड बीन होगा, दे हैड बीन लिविंग देयर सिंस 2002, उसके लिए यूज करेंगे बेटा दे हैड बीन लिविंग देयर सिंस 2002, तो बेटा दे हैड बीन लिविंग देयर सिंस 2002, क्यों, चुकी आएंगे बेटा सिंस लगाए, और आपको पता है सिंस और जो फॉर वाला वाक्य होता है या तो परफेक्ट सेंटेंस में बनता है या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यदि काम खत्म होने का सेंस हो तो परफेक्ट में, और यदि अभी भी कोई काम जारी हो पास्ट से लेकर अभी तक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। व्हेन आई वेंट देयर, अब देखिए ये जो आ गया बेटा पास्ट इंडेफिनिट, जब मैं वहां गया तो दे वर वर्किंग, वो काम कर रहे थे 2 सालों से, तो बेटा तुम गए कब पास्ट इंडेफिनिट में, और वो जो लोग काम कर रहे थे 2 साल और पहले से काम कर रहे थे तो किसमें बनना चाहिए, परफेक्ट में, लेकिन कॉन्टिन्यूटी का स्टेट है तो इसलिए हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से बनाएंगे, तो बेटा यहां से वर्क को हटा के हम क्या लेंगे, दे हैड बीन वॉकिंग देयर फॉर 2 इयर्स, तो बेटा बच्चे ये था आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसके हमने आपको रूल्स बताए, एग्जांपल्स भी आपको बताए हैं, तो जो भी अभी तक हमने टेंस में पढ़ाया है उन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िएगा, आप प्रैक्टिस बुक से क्वेश्चन लगाइए, जहां कोई दिक्कत हो आप डिस्कस करिएगा। तो बेटा ये जो आपका था टेंस का पार्ट 4th था, 4th था, अब जो अगला सेशन आपका होगा हम टेंस का पार्ट 5th लेकर आएंगे, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।